एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम का लालिया। और आज के वीडियो में करने वाली हूँ मैं मीशो ब्लाउज हॉल। ऐसे तो मैंने मीशो से बहुत सारे ब्लाउज का ऑर्डर दिया था, बट उसमें से कुछ मुझे रिसीव हुआ, कुछ अभी बहुत टाइम है। तो चलिए, मैं सोची कि आज मैं छोटा सा हॉल बना देती हूँ जो मुझे ब्लाउज रिसीव हुआ है। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। जो मैंने ब्लाउज परचेस किया मीशो से, काफी ब्यूटीफुल एंड काफी अफोर्डेबल के साथ एक अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। तो लेट्स स्टार्ट, और मैं आपको फर्स्ट ब्लाउज दिखाती हूँ जो मैंने मीशो से परचेस किया है। आप ये देख सकते हैं, ग्रीन कलर का ब्लाउज जो अभी भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इसके बहुत सारे आपको कलर मिलेंगे मीशो पे। मैंने इसे ग्रीन कलर का परचेस किया है। तो ये मैं आपको निकालती हूँ, और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा ये ब्लाउज है। इससे मैंने मीशो से आई थिंक कुछ मैंने 356 के करीब मैंने इसको परचेस किया था। मैं सारे आपको इसका रेट स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना। तो मैंने इसे शायद 356 में परचेस किया था, और ये ग्रीन कलर काफी ब्यूटीफुल सा ये ब्लाउज मुझे रिसीव हुआ है। रियली गाइस, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा ब्लाउज है ये। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक है। आपको आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा इस ब्लाउज का ये लुक है, और बिल्कुल ये जैकार्ड जो कहते हैं ना, जैकार्ड फैब्रिक का है, जो बिल्कुल आपको राजस्थानियों के वो कॉटन सिल्क आता है ना, कॉटन सिल्क जो बनारसी टाइप का साड़ी का पहनते हो, उसी टाइप का इसका फैब्रिक मिलेगा। और ये ग्रीन और ये गोल्डन मिक्स मिलेगा आपको, यानी ग्रीन ये आपको इनर का पैटर्न है, उस पर आप देख सकते हो गोल्डन और कुछ स्काई टाइप का आपको ये प्रिंट दिया गया है, जिसमें आपको एलिफेंट प्रिंट है। आप देख सकते हो सामने से कितना ब्यूटीफुल सा ये ब्लाउज है, बहुत ही अच्छा एक लुक है इसका। और साथ ही साथ गाइस, इसमें आपको फ्रिल प्रोवाइड किया गया, जो फ्रिल डिजाइन होता है गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट करता है। आप देख सकते हो आपको नीचे में ये फ्रिल टाइप का ये डिजाइन मिल जाएगा, जो काफी ही ज्यादा प्यारा आपको एक लुक प्रोवाइड करता है। और इसका नेक का बात करें तो आपको मिल जाएगा पूरा ये राउंड नेक, जो राउंड नेक होता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसे वेयर करो गाइज, ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा ये ब्यूटीफुल सा ब्लाउज लगेगा। मतलब इसको आप बनारसी साड़ी के साथ वेयर करो, सिल्क साड़ी के साथ वेयर करो, ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा आप पे जचेगा गाइज। और इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा है, मतलब प्रिंट नहीं, आपको ये धागा वर्क मिल जाएगा, जो आपको एलिफेंट या कुछ ऐसा ऐसा आपको डिजाइन प्रोवाइड किया गया है। और आपको यहाँ पे दो पफ भी लगाए हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे दो पफ बहुत ज्यादा स्टाइल से लगाए हुए प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि आपकी जो बॉडी में अच्छे से ये बैठ जाए, अच्छे से स्टिच हो जाए। और गाइस, बात करें इसके बैक का, तो बैक देख सकते हो, आपको बैक में भी कुछ ऐसा राउंड सा नेक प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे दो डोरी प्रोवाइड की है गोल्डन कलर की, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और यहाँ पे ग्रीन कलर के टसल्स लगाए हुए हैं, सेम आपके ये ब्लाउज के फैब्रिक का, जो आपके फैब्रिक से मैच करता है ब्लाउज से। और पीछे में आपको फ्रिल मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको तीन आपको देख सकते हो हुक प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे मैं एक लगाया, मैंने तीन अभी नहीं लगाया, आप लोगों को दिखाना था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चार हुक प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप अच्छे से अगर इसको पुटअप करते हो तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है। करे गाय जिसके स्लिप्स की, तो उसके स्लिप्स आपको देख सकते हो इसमें प्रोवाइड किया गया है, आपको साइड में स्टिच करके। ऐसे मैंने अभी आप निकाला नहीं है, अब इसी में ये पुटअप है। तो ये स्लिप्स भी आपको सेम फेब्रिक का मिल जाएगा, और स्लिप्स आपको हाफ स्लिप्स आएगा, इसे फुल नहीं बनवा सकते हो, पूरा ये हाफ स्लिप्स आएगा आपको। तो इसमें आप अच्छे सा कोई डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, आपको ऐसा डिजाइन है स्लिप्स, हाफ स्लिप्स में भी अच्छा सा डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। और फैब्रिक बहुत अच्छा है, और आपको अंदर में ये जो आपको ये लगाया गया है लाइनिंग, ये लाइनिंग आपको सेम कॉटन नहीं मिलेगा, ये ऐसे जैकार्ड फैब्रिक का ही है, सिल्क टाइप का फैब्रिक है, हल्का कॉटन सिल्क मिक्स है, ग्रीन कलर का ये फैब्रिक आपको प्रोवाइड किया गया है। इसे आप एज नवंबर, दिसंबर, जनवरी के मंथ में ऐसे वेयर कर सकते हो। अगर आप ऐसे चाह रहे हो कि मैं अप्रैल में वेयर करने के लिए, गर्मियों में तो थोड़ा ये अनकंफर्टेबल होगा, और विंटर में इसे आप अच्छे से वेयर कर सकते हो, क्योंकि इसका फैब्रिक थोड़ा मोटा है, तो विंटर में ऐसे भी बहुत ही मोटा भी फैब्रिक वेयर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वैसे मैं इस खास बात बोली इस ब्लाउज की, तो ब्लाउज मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा सा लुक क्रिएट किया, और इसका डिजाइन वगैरह सब अच्छा है। तो मुझे ब्लाउज बहुत अच्छा लगा, बहुत अफोर्डेबल लगा, बहुत अच्छा एक पार्टी वियरिंग लुक क्रिएट करता है। सेकंड परचेज गाइस, ये मैंने ब्लैक कलर का जॉर्जेट का ब्लाउज लिया है, जो समथिंग मुझे 341 का मीशो पे पड़ा, जो काफी एक स्टाइलिश सा लुक क्रिएट करता है तो पूरा सिंपल है, ब्लैक प्लेन सिंपल है। और इसका स्लिप्स मुझे बहुत पसंद है, ऐसे स्लिप्स खास करके आप प्लेन साड़ी पे लगाते हो, प्लेन साड़ी पे पहनते हो, और ऐसे स्लिप्स के साथ तो बहुत अच्छा एक लुक आता है। तो इसे मैंने 341 में मैंने मीशो से परचेज किया था। ये पूरा जॉर्जेट फैब्रिक आपको मिल जाएगा, और फैब्रिक पे साइन भी है, अच्छी साइनिंग के साथ आपको मिल जाएगा, फैब्रिक साइन करता है।
और इसका भी आपको स्लिप्स मिल जाएगा, ये हाफ पूरा ये टसल्स टाइप का हाफ स्लिप्स मिल जाएगा। और ये इसका नेक की बात करें तो आप देख सकते हो ये राउंड नेक मिल जाएगा, ये आपको राउंड नेक मिल जाएगा, आपको फ्रंट और बैक दोनों से राउंड नेक मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसमें भी आपको ये हुक प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर आपको चार हुक मिल जाएगा। यहाँ पर जो हुक रहता है गाय, जो जिस ब्लाउज में हुक प्रोवाइड किया गया था उससे अच्छी फिटिंग बैठती है, तो काफी अच्छी फिटिंग इसकी बैठ रही है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। और इसे प्लेन साड़ी के साथ वेयर करते हो, गोल्डन या सिल्वर या रेड साड़ी किसी के भी साथ इसको वेयर करते हो तो बहुत ही ज्यादा एक स्टाइलिश सा लुक देता है। और ये आपको मिल जाता है जॉर्जेट फैब्रिक का। और इसका आपको लाइनिंग की बात करें तो देखो आप इसकी लाइनिंग, इसकी लाइनिंग भी आपको प्योर कॉटन ही कर सकते हैं, कॉटन ब्लेंड कह सकते हैं, मिक्स है, मतलब प्योर कॉटन नहीं है, थोड़ा थोड़ा मिक्स है इसमें कॉटन में आप देख सकते हो। लेकिन इसे आप गर्मी में भी वियर कर सकते हो, एज मतलब गर्मी में कंफर्टेबल आप वियर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप गर्मी में इसे वियर नहीं कर सकते हो, गर्मी में इसे वियर कर सकते हो। और गाइस इसमें आपको मिल जाता है ये पफ, दो यहाँ पर पफ प्रोवाइड किए गए आप देख सकते हो, जो काफी अच्छे से स्टिच किया गया है। आप चाहे तो इसे निकाल कर भी पहन सकते हो, चाहे तो इसके साथ भी पहन सकते हो, दोनों के साथ आपको अच्छा एक मतलब फिटनेस आएगा। और गाइज ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी, मैंने 32 साइज इसको ऑर्डर दिया था और काफी अच्छी फिटिंग है मेरे पे, मतलब कहीं से भी लूज नहीं है, बहुत अच्छी फिटिंग है। तो ये ब्लाउज बहुत ही अच्छा एक फैंसी और स्टाइलिश सा लुक है, आप कहीं पार्टी वेयर में जाते हो, आपको एकदम प्लेन साड़ियां पहनी रहती है सिक्वेंस वाली, तो आप इस पर डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा ये ब्यूटीफुल सा ब्लाउज है, काफी अफोर्डेबल भी है, 341 में आपको मीशो पे मिल जाएगा अच्छे फैब्रिक के साथ। जो मेरा थर्ड ब्लाउज है गाइज, आप देख सकते हो ये रेड कलर का ब्लाउज, जिसका बहुत सारा कलर इसका भी अवेलेबल है मीशो पे, पिंक रेड और हल्का ये डार्क पिंक में है, तो मैं इसे रेड परचेस की थी, मेरी रेड साड़ी थी उसके लिए। तो ये आप देख सकते हो ये पूरा आपको मिल जाएगा यहाँ पर मिरर वर्क, आपको यहाँ पर पूरा मिरर वर्क मिल जाएगा गाइस, ये आप देख सकते हो गोल गोल मिरर वर्क। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ जड़ी प्रोवाइड किया गया है, जड़ी के साथ ये वर्क है, जड़ी का गोल्डन कलर का, और ये आपको मिरर का वर्क प्रोवाइड किया गया है। पैंटोन सिल्क है, ये पूरा सिल्क नहीं है, पैंटोन सिल्क का मतलब गाइस ये कॉटन टाइप में सिल्क है, मतलब आधा आपको ये पूरा फैब्रिक जो है थोड़ा इसका मोटा है, पैंटोन सिल्क का है, मतलब सिल्क है लेकिन वो सिल्क नहीं है जो साड़ी वाली सिल्क होती है, जो प्लेन थोड़ी मोटी फैब्रिक है इसकी। इसे भी आप गर्मी में पहन सकते हो, अगर एसी वगैरह में हो तो, ऐसे आप चाहोगे कि बाहर पहन के चले जाए तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। वैसे ब्लाउज ये बहुत अच्छा एक लुक क्रिएट करता है, आप इसे लहंगे के साथ डाल सकते हो, साथ ही साथ इसके साड़ी के साथ वेयर कर सकते हो, मतलब ओकेजनली इसको आप वेयर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा एक लुक देगा। और इसका नेक आप देख सकते हो, कुछ नेक आपको ऐसा मिल जाएगा, कुछ ऐसे पैटर्न का मिल जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं पान का पत्ता, उस टाइप का आपको ये मिल जाएगा, ये नेक जो काफी ब्यूटीफुल सा नेक का डिजाइन है। इसके पीछे की बात करें तो आप पीछे का डिजाइन देख सकते हो, सेम आपको आगे का जो भी नेक एरिया नेक डिजाइन है सेम आपको पीछे में मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दो डोरी प्रोवाइड की गई है रेड कलर की, और ये पीछे में भी मिरर वर्क है, आप देख सकते हो ये पीछे भी मिरर वर्क है। और यहाँ पर आपको ब्लाउज में मिल जाता है यहाँ पर पांच हुक स्टिच करने के लिए, जो काफी अच्छी फिटिंग देता है मैंने आपको बताया। और सेम ये फैब्रिक पैंटोन सिल्क है, थोड़ी मोटी फैब्रिक है, और अंदर की लाइनिंग भी थोड़ी मोटी है, कॉटन नहीं है, किसी भी मेरी ब्लाउज की जो लाइनिंग है कॉटन नहीं है, आपको ये सिल्क में ही मिल जाएगा लाइनिंग, कॉटन सिल्क में मिल जाएगा लाइनिंग इसका। और गाइस इसका वर्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लुक क्रिएट करता है, आप इसे लहंगे के साथ वेयर करो, आप इसे साड़ी के साथ वेयर करो, कैजुअली पार्टी शादी फंक्शन में आप इसे वेयर कर सकते हो, काफी अच्छा सा एक लुक आएगा इसका, बहुत ही प्यारा सा एक लुक आता है इस ब्लाउज का, बहुत ही प्यारा सा। मैंने इसे 34 साइज ऑर्डर दिया था, मुझे लगा था कि ये थोड़ी मोटी फैब्रिक है तो थोड़ा बड़ा ब्लाउज ही सही रहता, हम लोग उसे साइड से स्टिच कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल ये मेरे में थोड़ी लूज है, मैं इसे स्टिच करा लूंगी। साथ ही साथ आपको देखो इसमें स्लिप्स मिलता है सेम फैब्रिक का, यहाँ पर ये रेड कलर का पैंटोन सिल्क के साथ लाइनिंग के साथ आपको फैब्रिक भी आता है, जो काफी अच्छा है, ब्यूटीफुल सा फैब्रिक है, और इसे आप बना सकते हो अच्छे से डिजाइन के साथ। इतना छोटा भी स्लिप्स नहीं है, कम से कम आपका ये यहाँ तक आएगा, 3/4 तक आ सकता है, और काफी अच्छा है, मतलब स्लिप्स के साथ प्रोवाइड किया गया है, तो आप इसे स्लिप्स ऐड करवा सकते हो, अच्छा सा एक लुक क्रिएट कर सकते हो। मैंने इसे मीशो से 376 रुपीज में परचेज किया था, आई थिंक अभी इसका प्राइस डिडक्ट हो चुका है, कम हो चुका है, और ये अच्छा सा एक लुक क्रिएट करता है, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा ब्लाउज, बहुत ज्यादा ऑसम सा लगा।
और मेरा लास्ट ब्लाउज था जो मुझे रिसीव हुआ, मुझे वो ब्लाउज की जगह सूट दे दिया था उन्होंने, मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिलहाल मैंने बहुत ब्यूटीफुल सा ब्लाउज ऑर्डर किया था, जब मैंने उसे ओपन किया तो वो मुझे सूट मिल गया, लेकिन फिर मैंने उसे रिटर्न पे डाला है। जैसे ही वापस आता है मैंने और 3-4 ब्लाउज को मैंने ऑर्डर दिया है साथ ही, तो मैं उसका फिर एक आप लोगों के साथ हॉल क्रिएट करूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मुझे क्या प्रोवाइड किया गया था उस कहते हैं पैकेज में ब्लाउज की जगह। तो गाइज मुझे ये सूट प्रोवाइड किया गया था, तो बहुत ही गंदा सा सूट है, पता नहीं ब्लाउज की जगह इतना ही इसका वेस्ट मटेरियल है मुझे प्रोवाइड किया गया था। फिलहाल आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो मैंने ब्लाउज को ऑर्डर दिया है, मैंने उसे रिटर्न में डाला है, वापस से ब्लाउज मैंने ऑर्डर दिया है। जैसे ही आएगा मैं आपको उसका हॉल शेयर करूंगी, क्योंकि ब्लाउज मुझे काफी अच्छा लगा। तो आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मीशो ब्लाउज और अच्छा लगा गाइस डू वन लाइक ऑन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ग्लैम गलालिया। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे मीशो हॉल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।